मूवी शुरू होती है एक लड़की मीना और उसके बिजनेस पार्टनर चार्ली को दिखाते हुए, जो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग अपनी फैमिली के साथ वेकेशन प्लान करते हैं और सी साइड पर एक घर रेंट पर लेते हैं। इसी पर चार्ली का भाई भी उनके ऑफिस में आता है अपनी वाइफ मीना को लेने के लिए। वो लोग घर चले जाते हैं और उनके पीछे चार्ली भी अपने घर चला जाता है, जहां हम उसकी वाइफ से मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ये दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। चार्ली एक कामयाब बिजनेसमैन था। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि चार्ली को अपने भाई की बहुत फिक्र रहती है। जहां वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, वही उसका भाई एक मामूली ट्रक ड्राइवर है। और एक मरतबा तो एक आदमी को बहुत ज्यादा पीटने की वजह से वो जेल भी जा चुका है, पर अब उसकी खुशकिस्मती कि उसे मीना जैसी ऑलराउंडर लड़की मिल गई थी जिसने उसे बहुत बदल दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब जैसा हमें पता है कि इन्होंने ट्रिप प्लान किया हुआ है, इसीलिए सुबह होने पर चार्ली अपने भाई और मीना को उनके घर से पिक करने के लिए आता है। ये लोग रास्ते में काफी बातें करते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सी साइड पर ये घर काफी खूबसूरत था, जहां का ओनर उन्हें इस घर का टूर देता है। और यहां चार्ली की वाइफ कहती है कि मैं अपना टेलीस्कोप तो घर ही बुलाई, उसके बगैर यहाँ क्या मजा आएगा। घर का ऑनर उससे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास एक टेलीस्कोप है, रात होने पर मैं तुम्हें दे जाऊंगा। अब चार्ली और उसकी वाइफ घर में ग्रोसरी सेट करने लग जाती हैं, जबकि मीना और उसका हस्बैंड इस घर को अच्छे से देखने में लग गए थे। उन्हें इस घर के बैकयार्ड में एक अजीब सा स्टोर मिलता है, जिसका दरवाजा एक तिजोरी जैसे लॉक से बंद किया गया था। ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और समुंदर के किनारे सैर करने आ जाते हैं। चार्ली और मीना आगे आगे जा रहे थे, जबकि पीछे चार्ली का भाई और चार्ली की वाइफ बातें कर रहे थे। मीना का हस्बैंड मीना को लेकर काफी इनसिक्योर था, क्योंकि मीना एक टैलेंटेड लड़की थी और उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। तब चार्ली की वाइफ उससे कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मीना सिर्फ तुमसे प्यार करती है, उसे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन बातों के बाद अब कपल्स आपस में एंजॉय करते हैं और घर आ जाते हैं। घर आने पर इनको घर के अंदर टेलीस्कोप मिला था। मीना कहती है कि ये घर हमने रेंट पे ले लिया है और इस घर का ओनर कैसे हमारे से पूछे बगैर हमारे घर में आ सकता है, उसके लिए तो ये बात काफी परेशानी वाली। लेकिन बाकी सब उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अब ये लोग डिनर करने लग जाते हैं और चार्ली की वाइफ इन्हें बताती है कि वो सुबह होने पर यहाँ करीबी एक वॉटरफॉल में जाएंगे। ये जगह सच में खूबसूरत थी। इन्होंने इस वेकेशन के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था और चार्ली की वाइफ के पास इन सब के लिए कुछ सरप्राइज भी था। मीना जब उससे सरप्राइज के बारे में पूछती है तो वो इन सब को एक ड्रग दिखाती है। ये खास ड्रग बहुत मुश्किल से उसने अरेंज की थी। सभी इस ड्रग को लेने के लिए मान जाते हैं, लेकिन चार्ली की वाइफ नहीं, क्योंकि उसे सुबह वॉटरफॉल पर जाने के लिए जल्दी उठना था। वो सोने चली जाती है और यहाँ पर तीनों ड्रग्स लेते हैं। हम देखते हैं कि सोती हुई चार्ली की वाइफ के ऊपर कोई ब्लैक कलर का पाउडर डाल रहा था। ये लोग ड्रग करते करते टेरेस में निकल आते हैं, जहाँ एक हॉट टब भी था। चार्ली के भाई को इन ड्रग्स के बावजूद बियर पीने की सोचती है। वो बियर लेने के लिए अंदर चला जाता है। काफी देर ये लोग उसका इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आता। मीना उसे चेक करने के लिए जाती है तो अंदर काउच पर वो तो गहरी नींद सो गया था। बाहर आने पर चार्ली उस हॉट टब के ऊपर से कवर उतार रहा था। वो मीना से भी इस हॉट टब में बैठने को कहता है और वो भी मान जाती है। ये दोनों ही हॉट बाथ को काफी एंजॉय कर रहे और आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। बातें करते हुए ये लोग कब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। ये लोग होश में तो थे ही नहीं, और जब वहाँ पर मीना का डॉग बोलता है तो इन दोनों को होश आ जाता है। मीना वहाँ से उठकर चली जाती है और हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों के ऊपर कोई दूर से नजर रखे हुए था। मीना जब वॉशरूम में नहा रही होती है तो चार्ली एक मरतबा फिर मीना के पास आ जाता है, जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें मीना और चार्ली दोनों ही काफी परेशान नजर आ रहे थे। जबकि चार्ली की वाइफ और उसका भाई तो वॉटरफॉल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब चार्ली और मीना दोनों वॉटरफॉल पे जाने से मना कर देती है तो चार्ली की वाइफ उसके भाई के साथ वॉटरफॉल पे चली जाती है। पीछे अब मीना और चार्ली ही रह गए थे, जो गुजरी हुई रात की वजह से काफी एम्बेरस थे। वो एक दूसरे से यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा और ना ही वो ये सारी बातें अपने पार्टनर्स को बताएंगे। दूसरी तरफ वॉटरफॉल्स में चार्ली की वाइफ और उसका भाई बातें कर रहे थे। वो लोग भी इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ एक और बात हमें पता चलता है कि इनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। यहाँ घर पर मीना सारा घर साफ करती है और जब नहाने जाती है तो उसे पता चलता है कि बाथरूम के शॉवर्स में तो कैमरास छुपे हुए थे। वो जल्दी से चार्ली को बुलाती है। चार्ली सभी बाथरूम्स में चेक करता है और पता चलता है कि सभी बाथरूम्स में कैमरास लगे हुए हैं। मीना को लगता है कि ये सब इस घर के ऑनर का किया धरा है। वो चार्ली से पुलिस को कॉल करने का कहती है, पर चार्ली ये कहते हुए मना कर देता है कि अगर पुलिस को कॉल की गई तो पिछली रात की हमारी फुटेज सबके सामने आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ मेरी वाइफ और मेरे भाई को पता चले। और काफी सोचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो भूल जाएंगे और कल सुबह होते ही ये लोग यहाँ से चले जाएंगे।
इतने में ही चार्ली की वाइफ और उसका भाई भी घर आ जाते हैं। चार्ली की वाइफ काफी गुस्से में थी क्योंकि चार्ली के भाई ने चार्ली के काफी अफेयर्स उसको बता दिए थे। चार्ली की वाइफ इन बातों की वजह से उससे बहुत लड़ती है, ये सब परेशान थे। परेशानी में चार्ली की वाइफ सबको दोबारा ड्रग्स करने को कहती है, लेकिन कोई भी इस चीज के लिए राजी नहीं था। तभी चार्ली का भाई नोटिस करता है कि उनका डॉग तो घर पे है ही नहीं। चार्ली, मीना और मीना का हस्बैंड तीनों ही अपने डॉग को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बाहर काफी ढूंढने पर भी जब उन्हें उनका डॉग नहीं मिलता तो ये बेचारे उदास घर वापस आ जाते हैं। चार्ली की वाइफ इन लोगों को बताती है कि घर का हॉट बाथ नहीं चल रहा था, इसीलिए उसने घर के ऑनर को यहाँ बुलाया है। घर के ऑनर का नाम सुन के मीना और चार्ली दोनों ही डर गए थे। जबकि चार्ली का भाई कहता है, बहुत अच्छा किया, मुझे लगता है कि वही मेरे डॉग को लेकर गया होगा, उसके आने पे मैं उससे अपने डॉग के बारे में पूछ लूंगा। जब घर का ऑनर आता है तो सबसे पहले चार्ली का भाई उससे अपने डॉग के बारे में पूछता है, लेकिन घर के ऑनर को तो उसके डॉग के बारे में कुछ नहीं पता था। अब चार्ली और उसकी वाइफ उसे हॉट टब के पास लेकर जाती है। जिस वक्त में वो हॉट टब ठीक कर रहे थे तब मीना और उसका हस्बैंड दोबारा अपने डॉग को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। घर का ऑनर भी अपना काम खत्म करके घर के बाहर आ जाता है, जहाँ वो मीना से मिलता है। उससे बातें करते हुए मीना को उसके ऊपर शक होने लगा था। वो उससे बाथरूम में लगे कैमरास के बारे में पूछती है। घर के ऑनर को उसकी बातें नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए मीना उसे बाथरूम में लेकर जाती है और शॉवर में लगे कैमरास दिखाती है। इसके बारे में घर के ऑनर को कुछ भी नहीं पता था, वो खुद भी इनको देखकर परेशान हो गया था और वो पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है। अब पुलिस को तो मीना और चार्ली पहले भी कॉल कर सकते थे, पर उन्हें तो अपने आप को भी बचाना था, इसीलिए मीना घर के ऑनर को भी पुलिस को कॉल करने से मना करती है। लेकिन जब वो मना नहीं होता तो मीना उसके हाथ से फोन खींचने की कोशिश करती है। जब घर का ऑनर उसे पीछे की तरफ गिराता है तो इन सारी चीजों को शो यहाँ से बाहर चला जाता है। मीना के हस्बैंड को लगता है कि शायद घर का ऑनर मीना के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे घर के ऑनर को बाथटब के अंदर गिरा कर बहुत पीटता है, ना कि वो मरने के करीब था, वो बेहोश हो गया था। चार्ली अपने भाई को रोकने के लिए आता है और अब मीना को वो घर के पीछे ले जाकर पूछता है कि आखिर क्या बात हुई थी। वो उससे कहती है कि मैंने घर के ऑनर से कैमरास के बारे में पूछ लिया था, उसे भी इन कैमरास के बारे में कुछ नहीं पता था, वो पुलिस को कॉल करने वाला था, मैं तो बस उसे रोक रही थी। इतने में ही चार्ली की वाइफ इन दोनों के पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो क्या रहा है। मीना को ना चाहते हुए उसे भी सारा मामला समझाने के लिए कैमरास के बारे में बताना पड़ता है। यही एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी खुफिया कैमरास के जरिए इस वक्त भी उनके ऊपर नजर रखे हुए था, जिसके बाद अब कोई अनजान हाथ में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहने घर के ऑनर का सांस बंद करके उसे मारता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ अब जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है ताकि घर के ऑनर की जान बचाई जा सके, जबकि चार्ली इस घर के ऑनर की हालत चेक करने के लिए जाता है। इससे पहले चार्ली की वाइफ एम्बुलेंस को बुलाने चार्ली भाग कर उसके पास आता है, उसे कॉल बंद करने को कहता है और बताता है कि वो आदमी मर चुका है। घबरा कर ये सब बाथरूम में जाते हैं। चार्ली की वाइफ उस आदमी की पल्स चेक करती है और इन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो आदमी मर चुका है। चार्ली के भाई की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से एक मर्डर हो चुका है। मीना भी परेशान थी, वो चार्ली से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। वो कहता है कि हम इस मौत को एक एक्सीडेंट की तरह बना देंगे, यहाँ से कत्ल के सभी सबूत मिटा देंगे और फुटेजेस को भी ढूंढ कर डिलीट कर देंगे। मीना राजी हो जाती है, जबकि चार्ली की वाइफ इन सारे कामों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो पुलिस को फोन करने वाली थी। वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी इस दुख के साथ नहीं रह सकती कि हमसे एक कत्ल हुआ है, पर चार्ली अपने भाई को पूरी जिंदगी के लिए जेल जाता नहीं देख सकता, इसीलिए वो अपनी वाइफ को समझाता है और उसे सामान पैक करने को कहता है ताकि अपना काम पूरा होते ही ये लोग यहाँ से निकल जाएं। चार्ली की वाइफ को घर छोड़कर ये तीनों घर के ऑनर की डेड बॉडी को समुंदर में फेंकने के लिए ले जाते हैं। जब ये लोग बॉडी को समुंदर में गिराते हैं तो वो बॉडी पानी में गिरने के बजाय एक पहाड़ी से अटक जाती है। वो बॉडी को पत्थरों से मारकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और अब मीना का हस्बैंड खुद नीचे की तरफ उतरता है और चोटी से उस डेड बॉडी को पानी के अंदर फेंक देता है। घर पर चार्ली की वाइफ जो पैकिंग कर रही थी उसे शॉवर्स की आवाज आती है। वो घर के सारे वॉशरूम चेक करती है लेकिन कोई भी शॉवर ऑन नहीं था। जब वो लाउंज में आती है तो वहाँ एक वीडियो चल रही थी। उसके हस्बैंड चार्ली और मीना गुस्से में वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। उस वक्त पर जब बाकी सब लोग घर वापस आ रहे थे, चार्ली उसके पीछे भागता है। वो गाड़ी रोक कर बताती है कि मैंने तुम्हारी और मीना की वीडियो देख ली है, मुझे अब सब सच पता है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इससे पहले कि चार्ली उससे कुछ कहता उसे समझाता, वो वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। पीछे चार्ली, चार्ली का भाई और मीना घर से फुटेजेस ढूंढ रहे, जबकि दूसरी तरफ जंगल में चार्ली की वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ किसी ने ट्रैप बिछाया था। ये चीजें उसे परेशान कर देती हैं। वो गाड़ी के अंदर बैठकर अब चार्ली को मैसेज करती है और इसी दौरान तेजी से हमें कोई आदमी उसकी तरफ आता दिखाई देता है। चार्ली जिसे अपनी वाइफ का मैसेज मिला था
वो सबको छोड़ छाड़ कर उसके पीछे आता है और दिखता है कि उसकी गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और करीब जंगल में ही किसी के हाथ में उसे अपनी वाइफ का फोन रिंग करता नजर आता है। उसे लगता है कि ये उसकी वाइफ ही है और जैसे ही वो आगे जाता है उसके पाँव के साथ कोई चीज टकराती है। वो नीचे दिखता है, वहाँ उसकी वाइफ थी जिसके सर को हथौड़े से बहुत बुरी तरह मारा गया था और अब वो मर चुकी थी। वो अभी यही देख रहा था कि अचानक मास्क वाला शख्स उसके पास भी आकर उसे मार देता है। घर पर मीना और उसके हस्बैंड को जो कहानी के शुरू में इस घर के अंदर एक अजीब सा स्टोर मिला था, ये दोनों उसे चेक करने का डिसाइड करते हैं। दरवाजा तोड़कर जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ इन्हें कुछ खास नहीं मिलता। इसी टाइम चार्ली के भाई को चार्ली का मैसेज आता है। वो एक वॉइस रिकॉर्ड था और साथ ही एक वीडियो भी, चार्ली और उसकी वाइफ मीना की। ये देख वो गुस्से में आकर मीना से इन सारी चीजों के बारे में पूछता है। मीना भी घबरा जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उन्हें फील होता है कि घर के अंदर कोई आया है। उसे लग रहा था कि ये चार्ली ही होगा। वो पूरा घर चेक कर लेता है लेकिन चार्ली तो उसे कहीं नहीं नजर आया था। वो जैसे ही स्टोर का दरवाजा खुलता है तो अंदर से मास्क पहना आदमी निकल कर उसके ऊपर हमला कर देता है। गिरने की आवाज सुनकर मीना जब नीचे आती है तो अपने हस्बैंड को ही गिरा पाती है। अभी मास्क पहना आदमी मीना की तरफ बढ़ रहा था। जख्मी मीना का हस्बैंड इस आदमी को पांव पकड़ के रोकने की कोशिश करता है और मीना वहां से भाग जाती है। आदमी ऊपर जाकर चेक करता है जहां मीना नहीं थी। वो टेरेस से नीचे देखता है तो वहां मीना का एक जूता। उसे लग रहा था कि मीना वहां से जंप कर भाग गई है, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। उसके यहां से जाने पर मीना अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलती है और पीछे से वो आदमी मीना के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि वो जानता था कि मीना अभी इस घर से नहीं भागी। उसने घर से जाने का ड्रामा मीना को यहां से निकालने के लिए किया था। मीना भी तैयारी करके आई थी, उसके हाथ में एक फाइलर था। वो फाइलर उस आदमी के मुंह पे मारती है पर मास्क की वजह से उसे कुछ नहीं होता। मीना जैसे तैसे कर उस आदमी को अपने से दूर फेंकती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर बेचारी सीढ़ियों से गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो हिम्मत करके उठती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। मास्क पहना आदमी भी उसके पीछे पीछे था। मीना अब थक चुकी थी इसीलिए वो एक दरख्त के पीछे सांस लेने के लिए रुक जाती है पर किलर दोबारा उसके पीछे आ जाता है। अंधेरे में मीना दोबारा भागती है, उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर समुंदर में गिर जाती है। इस मास्क पहने आदमी ने, किलर ने इन चारों को मार दिया था। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि किलर मर्डर के सारे एविडेंस खत्म कर रहा है। उसने घर से सारे कैमरा हटा दिए थे। वो अब एक नया घर रेंट पे लेता है और वहाँ दोबारा एक सेटअप लगाना शुरू करता है जिससे साफ जाहिर है कि ये आदमी एक सीरियल किलर है और अपनी बुरी आदत के चलते वो लोगों को मार रहा था। उसने अब एक नया घर ट्रैप के तौर पर तैयार किया था तो इसका मतलब था ये सिलसिला अभी रुका नहीं था। ये सीरियल किलर और लोगों को भी मारने के लिए तैयार था, जिसके साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।